Hello everyone, I'm Shweta and my today's presentation is for class 1, subject English grammar. Topic is lesson 2, forming words book exercise. आज हम lesson 2, forming words के book exercise को discuss करेंगे. This is lecture number 2 of lesson 2, forming words. So let's start with lecture 2, book exercise of forming words. So lesson 2, forming words book exercise. So let's start with exercise 1. Exercise 1 is circle the set of letters which make a word. Let's read again. C-I-R-C-L-E, circle the, T-H-E, the, set, S-E-T, set, O-F, of, letters, L-E, double T E R S, letters which make a word. Circle the set of letters which make a word. हमें उन set of letters को circle करना है जो एक word बनाता है. I told you in the previous lecture the meaning of word. मैंने previous lecture में, पहले वाले lecture में बताया था कि word का मतलब क्या होता है. Word means शब्द. और वर्ड हम किसको कहते हैं, विच गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग, जिसका कोई मतलब निकले, दैट इज अ वर्ड. तो अब इन दिस एक्सरसाइज व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड यू हैव टू सर्कल दैट ग्रुप ऑफ लेटर विच इज मेकिंग अ वर्ड. हमें उस पे सर्कल लगाना है जो वर्ड बना रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज अ three lines are there. A, let's read the letters, group of letters. First one is B E double T I Betty, M E double T I Matty, K I T Kite, U N Y D L E Undie. So these are the group of letters. Now you have to see which is making a word. क्या Betty कोई word है? क्या Matty कोई word है? क्या काइट कोई वर्ड है? क्या अनडाई अनडल कोई वर्ड है? इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ लेटर वर्ड बना रहा है? लेट सी द बी वन. बी वन इज टी आई जी ई आर टाइगर, ओ आई सी एन ऑयसन, टी जे डब्ल्यू आई एस टुजविस, एस एन ए के स्नेक. अब इसमें से कौन सा वर्ड है? टाइगर वर्ड है, ऑयसिन वर्ड है या नहीं है, टेजविस कोई वर्ड है या नहीं है, स्नेक कोई वर्ड है या नहीं है. लेट्स सी द थर्ड वन. थर्ड वन इज फ्लैग, एफ एल ए जी फ्लैग, जी आई आर एल गर्ल. नेक्स्ट वन इज ओ वाई टी ऑयट, बी ओ वाई Y. So these are the group of letters and we have to circle that group of letters which is making a word. हम उस पे सर्कल करेंगे जो एक वर्ड बना रहा है. क्या बेटी का कोई मतलब होता है? नो. क्या मैटी का मतलब कुछ होता है? नो. काइट का मतलब होता है? यस. काइट मीन्स पतंग. काइट को हिंदी में पतंग कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज यू एन वाई डी एल ई. क्या इसका कोई मतलब होता है? नो. नाउ लेट्स सी द बी वन. बी वन इज टाइगर. टाइगर का मतलब होता है? यस, बाघ. ऑयसिन का कोई मतलब होता है? नो. टिजविस? नो. स्नेक. स्नेक मींस सांप. नाउ द सी वन इज फ्लैग, एफ एल ए जी फ्लैग. फ्लैग मींस झंडा. गर्ल, जी आई आर एल गर्ल. गर्ल मींस लड़की. ओ वाई T, क्या इसका कोई मीनिंग है? नो. बी ओ वाई बॉय. क्या बॉय का कोई मतलब होता है? यस, बॉय मीन्स लड़का. नाउ वी विल सर्कल दीज वर्ड्स. सो लेट्स रीड अगेन. काइट. काइट इज अ वर्ड एज इट इज हैविंग अ मीनिंग. इसका कोई मतलब है. काइट मीन्स पतंग. सो वी विल सर्कल इट. नेक्स्ट वन इज टाइगर. टाइगर मीन्स बाघ. सो दिस इज अ वर्ड. वी विल सर्कल इट. नेक्स्ट वन इज स्नेक, एस एन ए के ई स्नेक. स्नेक मीन्स सांप. वी विल सर्कल इट. नेक्स्ट वन इज फ्लैग, एफ एल ए जी फ्लैग. फ्लैग मीन्स
झंडा. girl 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 means लड़की. boy 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 लड़का. So this is exercise number 1. In this exercise we have to circle the words which is making a, we have to circle the group of letters which is making a word. हम उन group of letters को circle करना है जो word बना रहा है. So let's see the next exercise now. Now this is exercise number 2. Rearrange the letters to make a word. हमें अब letters को rearrange करके उसका word बनाना है. See, number 1 is OKBO. क्या ये कोई word बना रहा है? नहीं. लेकिन जब हम इनके letters को ठीक से arrange कर देते हैं, then it makes a word. As you can see on the screen, it is making a word book. कौन सा word बन रहा है? Book. BOOK book. Now this is a word. Book means किताब. लेकिन जब OKBO लिखा था तो क्या ये कोई word बन रहा था? No. Now we have rearranged the letters. हमने letters को ठीक से arrange कर दिया है. So now it is making a word book. And book means किताब. Second one is TCA. TCA. Is it making a word? क्या ये एक word बना रहा है? No. It is not making a word. When we will arrange these words, then it will make a word. जब हमने इसको ठीक से arrange कर दिया, तो इसने एक word बना दिया. Now we have arranged it and cat. C-A-T cat. Cat means बिल्ली. जब हमने इसके letters को ठीक से arrange कर दिया, तो ये एक word बन गया. Now see the third one. Third one is lion. Sorry, I-L-N-O. क्या ये कोई वर्ड है? नो. लेकिन जब हमने इसको ठीक से अरेंज कर दिया, then it became a word. L-I-O-N, lion. Lion means शेर. Next one is E-P-N. क्या ये कोई वर्ड बना रहा है? नो. जब हमने इसको ठीक से अरेंज किया, तो ये बन गया हमारा पेन. P-E-N, pen. Next one is G-E-G. ये कोई वर्ड नहीं है. So, when we have arranged it, it became a word. जब हमने इसको ठीक से अरेंज कर दिया, तो ये एक वर्ड बन गया. E-G-G, egg. E-G-G, egg. Egg means अंडा. Next one is U-J-G. अब हमने इसको ठीक से अरेंज किया, तो ये बन गया जग. J-U-G, jug. Let's repeat these words. First one is book. B-O-O-K book. Book means kitab. Second one is cat. C-A-T cat. Cat means billi. Third one is L-I-O-N lion. Lion means sher. Next one is pen. P-E-N pen. Pen means kalam. Fifth one is egg. E-G-G egg. Egg means anda. Next one is jug. J-U-G jug. So this is exercise 2. Now we will see exercise 3. So the exercise 3 is complete the following words with the letters they begin with. Ab yahan pe what we have to do here, ki yahan pe hamare paas word given hai, uska hame first letter likhna hai. Now see here, as you can see on the screen, पिक्चर्स बने हुए हैं और साथ में स्पेलिंग भी लिखी हुई है, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर मिसिंग है. हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट लेटर को फिल करना है. सी, द फर्स्ट इज डन. ए, आंट मींस चींटी. सो द सेकंड पिक्चर इज ऑफ पिग. ये क्या है? पिग है. सो द फर्स्ट लेटर ऑफ पिग इज पी. वी विल पुट पी. नेक्स्ट वन इज बॉल. ये कौन सी पिक्चर है? ये एक बॉल की पिक्चर है. एंड द बॉल स्टार्ट्स विद लेटर बी. वी विल पुट बी. नेक्स्ट वन इज एग. एग स्टार्ट्स विद ई. द फर्स्ट लेटर ऑफ एग इज ई. वी विल पुट ई. नेक्स्ट वन इज लायन. द फर्स्ट लेटर ऑफ लायन इज एल. नेक्स्ट वन इज बुक. The first letter of book is B. Next one is duck. Or duck. कौन सी letter से शुरू होता है? D से शुरू होता है. So we will put
डी. नेक्स्ट वन इज ट्री. अगला जो पिक्चर है वो पेड़ का है. पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं. तो ट्री किससे स्टार्ट होता है? ट्री स्टार्ट विद लेटर टी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम. नेक्स्ट कॉलम इज फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ बर्ड. ये एक बर्ड पक्षी की तस्वीर है एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ बर्ड इज बी. नेक्स्ट वन इज हनी बी. बी है ये मधुमक्खी बी. इट इज स्टार्टिंग विद लेटर बी. तो वी विल पुट बी. हम बी लिख देंगे. नेक्स्ट वन इज कार. फर्स्ट लेटर ऑफ कार इज सी. हम सी लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज पैन. पी ए एन पैन. फर्स्ट लेटर ऑफ पैन इज पी. अगली पिक्चर जो है वो सन की है. तो फर्स्ट लेटर ऑफ सन इज एस. नेक्स्ट पिक्चर इज अ फिश. ये एक मछली की पिक्चर है एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ फिश इज एफ. नेक्स्ट वन इज स्टार. फर्स्ट लेटर ऑफ स्टार इज एस. नेक्स्ट वन इज ट्रेन. द फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रेन इज टी. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3. लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स WITH विद द लेटर्स दे बिगिन विद. हमें इनमें फर्स्ट लेटर पुट करना है जिससे वो शुरू होते हैं. सो द फर्स्ट पिक्चर इज आंट. और आंट किससे शुरू होता है? ए से. नेक्स्ट वन इज पिग. पिग स्टार्ट्स विद पी. नेक्स्ट वन इज बॉल. बॉल किससे स्टार्ट होता है? बी से. एग. एग किससे स्टार्ट होता है? ई से. लायन. लायन स्टार्ट्स विद लेटर एल. बुक. बुक स्टार्ट्स विद लेटर बी. नेक्स्ट वन इज डक. डक स्टार्ट विद लेटर डी. नेक्स्ट वन इज ट्री. ट्री कौन से लेटर से शुरू होता है? टी से. अगला है बर्ड. बर्ड किससे शुरू हो रहा है? बी से. नेक्स्ट वन इज बी. बी मीन्स मधुमक्खी. किससे शुरू हो रहा है? बी से. नेक्स्ट वन इज कार. इट इज स्टार्टिंग विद लेटर सी. नेक्स्ट वन इज पैन. किससे शुरू हो रहा है? टी से. नेक्स्ट वन इज सन. सन स्टार्ट्स विद लेटर एस. नेक्स्ट वन इज फिश. फिश स्टार्ट्स विद लेटर एफ. स्टार. स्टार स्टार्ट्स विद लेटर एस. नेक्स्ट वन इज ट्रेन. ट्रेन स्टार्ट्स विद लेटर टी. सो दीज आर द वर्ड्स. एज यू कैन सी ये सारे ही जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं ये वर्ड हैं. ये शब्द बना रहे हैं. क्यों शब्द बना रहे हैं? बिकॉज इट इज हैविंग अ मीनिंग. इसका मतलब है. इसका मीनिंग दे रहा है हमें. प्रॉपर मीनिंग बता रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ड. Now your homework is look at the pictures and fill in the blanks with the correct letters to complete each word. अब यहाँ पे कुछ pictures दिए होंगे और तुम्हें उसमें letters को fill करके उसे एक पूरा word बनाना है. As you can see, देखो first picture किसका है? ये क्या है? ये जब हम मॉल में जाते हैं तो वी कैरी आवर थिंग्स इन इट. हम अपने सारा सामान शॉपिंग करने के बाद इसमें डालते हैं. ये कौन सी पिक्चर है? इट इज अ पिक्चर ऑफ कार्ट. ये एक कार्ट है. इसको हम कार्ट कहते हैं. सी ए आर टी. तो व्हाट यू हैव टू डू, जो ये ब्लैंक बने हुए हैं उस ब्लैंक में हमें इस लेटर्स को फिल करके इसकी स्पेलिंग को पूरा करना है. तो इसमें हम भरेंगे ए और टी. तो ये बन गया सी ए आर टी कार्ट. वैसे ये सारे पिक्चर्स कंप्लीट करने हैं. देखो सेकंड पिक्चर किसकी है? एप्पल की. तो एप्पल में कौन से लेटर्स मिसिंग है तुम्हें वो फिल करना है. थर्ड पिक्चर इज ऑफ आम. अब देखो इसमें कौन सा लेटर मिसिंग है. फोर्थ इज ऑफ बर्ड. बनाना. बुक. कार्ड. बेल्ट. बाइक. और ये सारे पिक्चर्स हैं. अब इसमें जो भी लेटर मिसिंग है दैट यू हैव टू राइट डाउन इन द ब्लैंक एंड यू विल डू दिस वर्क इन इंग्लिश
notebook. Thank you and have a nice day. You must have enjoyed watching this video.